लॉकडाउन के दौरान मंदिर बंद रहे, लेकिन 8 जून से सभी जगह मंदिरों को खोल दिया गया। इस दौरान कई मंदिर प्रबंधनों द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई थीं, जिससे लोगों में कोरोना का संक्रमण ना हो। इसी को लेकर जोरासी मंदिर पर पहुंचे हमारे संवाददाता सलीम खान ने देखा कि किस तरह से मंदिर में प्रवेश से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही यहां पर प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा रहा है। यहां पर मौजूद मंदिर प्रबंधन समिति के लोगों द्वारा लोगों से माइक पर समझाइश दी जा रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी चीज़ को ना छुएं, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इससे यही प्रतीत होता है कि किस तरह से हमारे धार्मिक स्थल भी कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता सलीम खान की खास खबर। मैं बाकी सोलंकी और हम लोग ग्वालियर से आए हैं चौरासी मंदिर के दर्शन करने के लिए। सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जा रहा है और पंडित जी वगैरह पूरा सैनिटाइज करके शांति तरफ मिले जाने दे रहे हैं, और यहाँ पर ना प्रसाद ले जाने दे रहे हैं ना माला ले जाने दे रहे हैं, और यहाँ पर पूरा सुरक्षा का पूरा प्रबंध है यहाँ पर। और आप कब से आ रहे हो यहाँ चौरासी में? हम यहाँ पर टाइम हो गया, जब भी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं दर्शन करते हुए निकलते हैं। यहाँ दुकानें पहले से ज़्यादा खुल रही हैं या कम है? जो खुलती थी वही खुल रही है? नहीं, दुकानें तो ये है कि यहाँ पर लगभग थोड़ी खुल रही हैं, लेकिन प्रसाद वगैरह अंदर नहीं ले आना दी जा रहा है। जो दुकानें पहले इतनी खुलती थी उतनी ही खुल रही हैं या उससे कम खुल रही हैं? नहीं, लगभग उतनी खुल रही हैं, लेकिन प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, लेकिन अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं।